हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एक नई एक्सरसाइज 2.4 को शुरू करेंगे। ये वर्ड प्रॉब्लम है, वर्ड प्रॉब्लम की एक्सरसाइज है। और बस इस एक्सरसाइज को करने के बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। इसमें वर्ड प्रॉब्लम की जो है दो एक्सरसाइज थी, इसलिए हम एक्सरसाइज 2.4 को भी आज करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। हालांकि मैंने हैंड रिटन जो PDF है आपकी उसमें ये क्वेश्चन कराया था, लेकिन फिर भी जल्दी से इसको देख लेते हैं और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, अमीना थिंक्स ए नंबर एंड सबट्रैक्ट 5.2 फ्रॉम इट। सी मल्टीप्लाइज द रिजल्ट बाई 8। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेन इज 3 टाइम्स द सेम नंबर सी थॉट ऑफ, जो उसने सोचा था। वॉट इज द नंबर, यानी नंबर क्या है। तो देखिए, एक एक चीज को समझने के बाद, लेट द नंबर बी एक्स, यानी नंबर क्या लेंगे हम, एक्स लेंगे। इसने लिखा कि अमीना थिंक्स ए नंबर, जो उसने नंबर सोचा वो नंबर हमने क्या लिया, एक्स। एंड सब्ट्रैक्ट 5/2 फ्रॉम इट, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 5/2 को। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक्स में से क्या किया हमने, 5/2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। फिर उसने लिखा कि सी मल्टीप्लाइज, यानी वह मल्टीप्लाई करती है द रिजल्ट बाई 8। रिजल्ट का मतलब जो x माइनस 5/2 है, यही तो इसका रिजल्ट होगा, क्योंकि ये तो एक वेरिएबल है। तो इसी रिजल्ट में, ये जो इसका रिजल्ट है, इसमें क्या करना है, 8 का मल्टीप्लाई किया। द रिजल्ट नाउ ऑब्टेंड इज 3 टाइम्स द सेम नंबर, यानी उसी नंबर का 3 टाइम्स हमें रिजल्ट मिलता है, यानी 3x मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं बच्चों आपको ये समझ में आया होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा, 8 × x − 5/2 = 3x, उसी नंबर का 3 टाइम्स, यानी वही नंबर क्या है हमारे पास, x। तो अब इसको बिल्कुल हम सोल्व कर सकते हैं। कैसे किया इसने, आप इसको अपने तरीके से कीजिए। यहाँ पे हमें मिला 8x − 20 = 3x, आप भी कर सकते हैं इसको ऐसे ही। और ट्रांसपोजिंग 3x2, आप इसको खुद सोल्व करें यहाँ से, तो आपको खुद मिल जाएगा 3x2 LHS एंड −22 RHS। इसको ट्रांसपोज करेंगे, −20 को इधर ले जाएंगे और 3x को इधर ले जाएंगे, तो 8x − 3x = 20 और 5x = 20। और डिवाइडिंग बोथ साइड बाई 5, मैंने आपको बता रखा है, यदि आप दूसरे तरीके से करना चाहें तो उससे भी कर सकते हैं। तो x = हमारे पास फाइनली 4 मिलेगा, हैंस द नंबर इज 4। तो नंबर क्या होगा हमारे पास, 4 होगा। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनोदर नंबर। एक पॉजिटिव नंबर है वो 5 टाइम्स है अनोदर नंबर। इफ 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स, यदि 21 दोनों नंबर में जोड़ा जाए, देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, यानी दूसरे नए नंबर के क्या हो जाता है, वो 2 गुना हो जाता है। तो देखिए, व्हाट आर द नंबर्स, नंबर्स क्या होंगे, आंसर देखेंगे अभी अब हम इसका। तो लेट द नंबर बी एक्स, नंबर क्या मान लिया हमने, x। तो ए पॉजिटिव नंबर इज 5 टाइम्स अनोदर नंबर, तो 5 टाइम्स अनोदर नंबर यानी 5x। तो नंबर क्या होंगे, x होगा और एक होगा दूसरा 5x। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखेंगे हम क्या होगा। इसने लिखा इफ 21 इज एडिड टू बोथ द नंबर्स, तो बोथ द नंबर्स 21, ये 5x है हमारा, ये 5x, इसमें हमने 21 को ऐड किया, 21 को यहां पे ऐड किया, और इधर जो है वो भी x प्लस 21 किया, और फिर लिखा इसने देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द नंबर, ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, उसका 2 गुना हो जाता है न्यू नंबर का। तो यानी 21 प्लस 5x इक्वल टू किसके हो जाएगा, इसका 2 गुना हो जाएगा, ये किसका, जो हमारे पास नंबर था। तो x प्लस 21 और यहां पे ये क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स,
और 21 चूंकि हमने दोनों साइड जोड़ना है, तो पहले हम क्या करेंगे, 21 प्लस 5x इक्वल टू एक्स प्लस 21, ये दोनों में हमने क्या किया, 21 ऐड किया। फिर उसने कहा देन वन ऑफ द न्यू नंबर बिकम्स ट्वाइस द अदर न्यू नंबर, उसका ट्वाइस हो जाता है न्यू नंबर का, तो ये क्या हो जाएगा ट्वाइस। तो देखिए अब ट्रांसपोजिंग 2x टू LHS, ट्रांसपोजिंग 2x टू LHS एंड 21 टू RHS। तो 21 को हम इधर ले गए, ये 2x इधर आ जाएगा, तो 5x माइनस 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 42 माइनस 21, तो 3x इक्वल टू 21। और इसको सोल्व कर लेंगे हम डिवाइडिंग बाय 3 करके भी कर सकते हैं, तो x इक्वल टू हमारे पास क्या आएगा 7, और 5x इसलिए निकालेंगे क्योंकि वो उसका 5 टाइम्स था, तो 5 इंटू 7 35, हैंस द नंबर आर 7 एंड 35 रेस्पेक्टिवली, यानी क्रम से वो क्या होंगे 7 और 35। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टाइप के, सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 9, टू डिजिट का नंबर है। व्हेन वी इंटरचेंज द डिजिट्स इट इज फाउंड दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27, यानी ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा हो जाता है। वॉट इज द टू डिजिट नंबर, पहले ये देखिए टू डिजिट नंबर कैसे होते हैं। मान लिया हमने 72, हमारे पास एक टू डिजिट नंबर है, यदि हम इसको चेंज करें, इंटरचेंज कैसे करते हैं, इंटरचेंज ऐसे करते हैं कि ये वंस वैल्यू है, ये टेंथ पे है, जब इसको इंटरचेंज करेंगे तो टू हमारा किस पे आ जाएगा टेंथ पे, और सेवन किस पे आ जाएगा वंस पे। तो इसकी वैल्यू में जो डिफरेंस आता है, जैसे यहाँ पे 27 है, हालांकि यहाँ पे कम हो गया ये नंबर, यदि हम 27 लेते और 72 में चेंज करते फिर उसको, तो देखिए आप नंबर यहाँ पे जो है उसकी वैल्यू बढ़ रही है। इसी टाइप से हमारे पास यहाँ पे भी है, तो अभी इसका सॉल्यूशन देखेंगे। लेट द डिजिट एट टेंथ प्लेस, इसमें हमें ये ध्यान रखना है कि टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है उसको अलग मानना पड़ेगा, और वंस पे जो डिजिट है उसको अलग। तो टेंथ प्लेस पे जो डिजिट है, लेट द डिजिट एट टेंथ प्लेस एंड वन प्लेस बी एक्स, यानी एक्स तो हमने क्या लिया टेंथ प्लेस पे लिया, उसने लिखा सम ऑफ द डिजिट ऑफ टू डिजिट नंबर इज 9, तो दूसरी क्या होगी 9 माइनस एक्स। मान लिया हमारे पास दो नंबर हैं, टू डिजिट्स हैं, सॉरी यदि टू डिजिट्स हैं, मान लिया 27 है, तो 2 प्लस 7 यदि इक्वल टू क्या आ रहा है 9। तो यदि सपोज करो हमें इसका नहीं पता है और इसकी जगह हमारे पास x है, तो x इक्वल टू क्या आएगा 9 माइनस 7, यही आएगा। इसी तरीके से हमारे पास यहाँ पे 9 माइनस एक्स आया, यानी दूसरे वाला जो है, क्योंकि दोनों डिजिट का जो सम है वो हमारे पास 9 है, इसलिए एक डिजिट को यदि हम x मानेंगे तो दूसरी क्या आएगी ऑटोमेटिक 9 माइनस एक्स आएगी, यानी टेंथ प्लेस की जो डिजिट है वो x होगी और वंस प्लेस की जो डिजिट है वो 9 माइनस एक्स होगी। दियर फोर ओरिजिनल नंबर क्या बनेगा हमारे पास, जो ओरिजिनल नंबर होगा वो होगा 10x। 10x क्यों किया, क्योंकि x जो है वो टेंथ प्लेस पे है, हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, x हमारा टेंथ प्लेस पे है तो इसलिए इसके साथ 10 की मल्टीप्लाई, 9 माइनस एक्स वंस प्लेस पे है तो इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कुछ नहीं आएगा इसलिए इसने नहीं लिखा। तो 10x प्लस 9 माइनस एक्स इक्वल टू क्या आएगा, इसने लिखा दैट द रिजल्टिंग न्यू नंबर इज ग्रेटर देन द ओरिजिनल नंबर बाई 27, ओरिजिनल नंबर से कितना ज्यादा है 27, तो ओरिजिनल नंबर कितना आया है हमारे पास, इसी को सोल्व किया हमने 10x प्लस 9 माइनस एक्स, तो जब 10x माइनस एक्स करेंगे तो 9x आ जाएगा और प्लस का 9 जो का तो रहेगा, तो ये तो हमारे पास ओरिजिनल नंबर आया अभी। ऑन इंटरचेंजिंग द डिजिट्स एट वंस प्लेस एंड टेंथ प्लेस विल बी एक्स एंड 9 माइनस एक्स,
रेस्पेक्टिवली। जब इंटरचेंज करेंगे तो बदल जाएगी, यानी 9 माइनस एक्स किस पे हो जाएगा, टेंस प्लेस पे, इसलिए इसके साथ 10 की मल्टीप्लाई की। एक्स किस पे चले जाएगा, वन प्लेस पे, इसलिए इसके साथ 1 की मल्टीप्लाई की, जिसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो देयरफॉर जो न्यू नंबर होगा आफ्टर इंटरचेंजिंग वो क्या आएगा हमारे पास, 90 माइनस 10x प्लस x, यानी 90 माइनस 9x। तो इस तरीके से हमारे पास ये नया नंबर मिल गया। अब देखिए आप, अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है, न्यू नंबर इक्वल टू ओरिजिनल नंबर प्लस 27। उसने कहा था कि न्यू नंबर जो है वो ओरिजिनल नंबर से 27 ज़्यादा हो जाता है। तो इसी तरीके से हम न्यू नंबर को यहाँ पे रखेंगे और ओरिजिनल नंबर की जगह 9x प्लस 9 जो हमें मिला था वो रखेंगे प्लस 27। अब इस इक्वेशन को हम सोल्व कर लेंगे। तो 90 माइनस 9x इक्वल टू 9x प्लस 9 प्लस 27 कितना आएगा, 36। अब इसको हम अपने तरीके से सोल्व कर लेंगे, ट्रांसपोजिंग 9x टू RHS एंड 36 टू LHS। यानी ये जो 9x है, इस 9x को आप इधर ले गए, माइनस का जो 9x था ये प्लस का हो जाएगा, और इस 36 को इधर ले आए, तो 90 माइनस 36 इक्वल टू 18x और 54 इक्वल टू 18x। जब इसको सोल्व करेंगे तो हम, ये मल्टीप्लाई में है, इसके डिवाइड में चला जाएगा, चाहे आप इस तरीके से करें, तो आपके पास जो बचेगा वो बचेगा x इक्वल टू 3 या 3 इक्वल टू x, बोथ आर सेम। और 9 माइनस x इक्वल टू क्या होगा, 6। ये 9x माइनस x इक्वल टू 6 क्यों होगा, यहाँ पे इसने x इक्वल टू, यहाँ पे एक बार ये दिखाना चाहिए था कि 9 माइनस x की वैल्यू आई हमारे पास 3, तो तब ये हमारे पास क्या आएगा, 6। हैंस द डिजिट एट 10th प्लेस एंड 1 प्लेस ऑफ द नंबर आर क्या होगी, 3 होगी और 6। देयरफॉर नंबर क्या होगा हमारे पास, 9x प्लस 9 जो हमें शुरू में लिया था नंबर, जो हमारा ओरिजिनल नंबर था, वही हमने नंबर लिया 9x प्लस 9, तो 9 इंटू 3 कितना हुआ, 27 प्लस 9 36। तो नंबर हमारे पास कितना हुआ, 36। ये इसका फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, ये भी ठीक इसी तरीके का क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसको। वन ऑफ द टू डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, वो 3 टाइम्स है दूसरी डिजिट का। तो यानी दूसरी डिजिट को मान लेंगे हम x, और दूसरी, उससे दूसरी क्या आ जाएगी, 3x। इफ यू इंटरचेंज द डिजिट, इसमें भी इंटरचेंज करना है आपको टू डिजिट नंबर, एंड ऐड द रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर यू गेट, यदि दोनों नंबर को जोड़ देते हैं तो कितना आएगा, 88। रिजल्टिंग नंबर टू द ओरिजिनल नंबर, व्हाट इज द ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो देखिए इसका सॉल्यूशन। लेट द डिजिट्स एट 10th प्लेस एंड 1th प्लेस बी एक्स, यहाँ पे हम एक को क्या मानेंगे, 10th प्लेस पे क्या माना हमने, x। यदि 10th प्लेस वाली हमने x मानी तो वो कितनी होगी, 3x, जो कि गिवन है आपको। वन ऑफ द टू डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 3 टाइम्स द अदर डिजिट, वो 3 टाइम्स है दूसरी डिजिट से, इसलिए हमने इसको 3x मान लिया। देयरफॉर ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारे पास, ओरिजिनल नंबर कैसे होगा, ये वंस प्लेस पे है, सॉरी ये टेंथ प्लेस पे है, ये वंस प्लेस पे है, तो टेंथ पे है तो क्या हो जाएगा, 10x, और ये क्या हो जाएगा, 3x प्लस 3x, तो नंबर आएगा हमारे पास 13x। ये नंबर निकालने का तरीका होता है, जो जिस प्लेस पे होता है उसके साथ वही मल्टीप्लाई कीजिए आप, तो नंबर को हम फाइंड आउट कर सकते हैं ऐसे। और इंटरचेंजिंग द डिजिट एट वंस प्लेस एंड टेंथ प्लेस विल बी एक्स एंड 3x रेस्पेक्टिवली, यानी अब जो इंटरचेंज करेंगे तो उसमें क्या होगा, हमारी बदल जाएगी, जो x हमारा किस पे था पहले, टेंथ पे था, वो किस पे आ जाएगा अब, वंस पे, और जो 3x हमारा किस पे था, जो 3x हमारा वंस पे था वो कहाँ चला जाएगा, टेंथ पे। तो देखिए अब नया नंबर जब निकालेंगे, नंबर आफ्टर इंटरचेंजिंग तो क्या होगा, 3x कहाँ है, 10th प्लेस पे, तो 3x इंटू, इसलिए हमने किया 10x,
10 की मल्टीप्लाई किस में की, 3x में, और प्लस हमारा रहेगा x, तो 30x प्लस x इक्वल टू हो जाएगा 31x। इंटरचेंजिंग द नंबर डिजिट्स तो क्या आएगा हमारा नंबर 31x। अकॉर्डिंग टू द गिवन क्वेश्चन ओरिजिनल नंबर प्लस न्यू नंबर इक्वल टू 88, यानी दोनों नंबर को यदि हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा 88, तो 13x प्लस 31x इक्वल टू कितना आएगा 88, और जब इसको सोल्व करेंगे तो 13 प्लस 31 कितना होगा 44x इक्वल टू 88, और x इक्वल टू आपका इस तरीके से यहाँ पे 2 मिल जाएगा आपको, 44 2 जा 88। तो दियर फोर ओरिजिनल नंबर क्या होता है 13x, हमारे पास ओरिजिनल नंबर था, x की जगह 2 रखेंगे तो कितना आ जाएगा 26 बाई कंसिडरिंग द टेंथ प्लेस एंड वंस प्लेस एट 3x एंड x रेस्पेक्टिवली द टू डिजिट नंबर इज ऑब्टेन इज 62। आप खुद भी देख सकते हैं ये 26 है तो इंटरचेंज करेंगे तो क्या आएगा 62, लेकिन आप इस तरीके से लिख सकते हैं देयर फोर द टू डिजिट नंबर मे बी 26 और 62, यानी वो नंबर 26 भी हो सकता है और 62 भी हो सकता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। शोबोज मदर प्रेजेंट एज इज 6 टाइम्स शोबोज प्रेजेंट एज, जो शोबो की प्रेजेंट एज है उससे कितना है 6 टाइम्स है, यानी 6 गुना है। शोबोज एज 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ विल बी 1/3 ऑफ मदर प्रेजेंट एज, 1/3 हो जाएगी अपनी मम्मी की जो एज है उसकी, कितने साल बाद 5 ईयर्स 5 साल बाद। वॉट आर दियर प्रेजेंट एज, अभी उनकी प्रेजेंट एज क्या है, तो देखिए कैसे करेंगे। लेट शोबोज एज बी एक्स ईयर, कितनी ली हमने उसकी एज एक्स ईयर्स, दियर फोर हिज मदर एज विल बी 6x ईयर, कितनी होगी 6x ईयर्स, क्योंकि वो 6 टाइम है उसकी मम्मी की एज उससे। तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन क्या होगा, आफ्टर 5 ईयर्स शोबोज एज, जो शोबो की एज होगी वो क्या होगी, शोबोज मदर प्रेजेंट एज बाई 3, क्योंकि उसका 1/3 हो जाती है वो, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1/3 इंटू शोबोज मदर प्रेजेंट एज, शोबोज मदर प्रेजेंट एज ऐसे, तो वही चीज है ये सेम। तो देखिए आप, अब यदि उसकी एक्स ईयर हमने एज मानी थी तो आफ्टर 5 ईयर्स यानी अभी से यदि 5 साल बाद देखें तो कितना होगा x प्लस 5, और ये कितनी होगी 6x अपॉन 3। तो जब इसको सोल्व करेंगे हम, तो इसको सोल्व कीजिए आप क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं, और भी कई तरीके हैं, तो देखिए आपको मिलेगा x प्लस 5 इक्वल टू 2x। कैसे मिलेगा देख लेते हैं एक बार, x प्लस 5 इसके नीचे 1, 6x अपॉन 3, इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी इसमें करेंगे तो कितना आएगा, इसकी इसमें करेंगे तो 3x प्लस 15, 3 5 15 इक्वल टू 6x, तो 6x यदि आप इसको 3x को उधर ले जाइए तो 15 इक्वल टू क्या हो जाएगा 6x माइनस 3x, 6x माइनस 3x। तो इस तरीके से हम सोल्व कर सकते हैं, हालांकि ये नहीं मिलेगा हमें लेकिन इससे आगे मिल जाएगा। तो आप देखिए x प्लस 5 इक्वल टू क्या आएगा 2x, उसको ट्रांसपोज करेंगे तो 5 इक्वल टू 2x माइनस x, x इक्वल टू 5, तो x इक्वल टू हमें क्या मिलेगा 5। इसी तरीके से जो मैंने अभी बताया था उसमें जो आपको मिलेगा वो मिलेगा 3x इक्वल टू 15, तो x इक्वल टू आ जाएगा आपका 5, क्योंकि 3 5 15 हो जाएगा। तो इसी तरीके से हमें वहाँ पे भी x इक्वल टू 5 मिल जाएगा, और जो तरीका इसने किया उससे भी हमने x इक्वल टू 5 मिल जाएगा। इसने क्या किया 3 2 जा 6, इसको यहीं पे सोल्व कर दिया तो x प्लस 5 इक्वल टू 2x यहाँ पे आ गया। अब x की वैल्यू आई तो x की वैल्यू हम पुट कर देंगे, देयर फोर
प्रेजेंट एज ऑफ सोबो एंड सोबोज मदर विल बी, सोबो की जो एज होगी वो कितनी होगी, 5 ईयर्स, और उसका कितना था, 6 टाइम्स थी वो, तो उसकी जो मम्मी की एज है यानी उसकी माता जी की जो एज है वो कितनी होगी, 30 ईयर्स रेस्पेक्टिवली, यानी क्रम से सोबो की जो एज है वो 5 ईयर और सोबोज मदर की जो एज है वो 30 ईयर्स। तो ओके डियर स्टूडेंट्स, 5 क्वेश्चन आज हमने इस वीडियो में किए और नेक्स्ट 5 क्वेश्चन जो है अगली वीडियो में करने की कोशिश करेंगे, फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।